दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। आज मैं लेके आया हूँ कि टी शर्ट के ऊपर गोल्डन प्रिंटिंग कैसे करते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में गोल्डन कलर की प्रिंटिंग किए हुए टी शर्ट्स मिलते हैं, ब्लैक टी शर्ट या लोगों को पहने हुए भी देखा होगा, ये बहुत शाइन करते हैं। लेकिन ये प्रिंटिंग जो है सब्लिमेशन से नहीं होती है, DTF से नहीं होती है, तो फिर ये कैसे होती है? आज मैं आपको पूरा कंप्लीट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा ये प्रिंटिंग कैसे होती है। ये प्रिंटिंग को हम बोलते हैं विनाइल प्रिंटिंग। ये विनाइल शीट है, ये इसका फ्रंट साइड है जो कि टी शर्ट पे हमें दिखता है गोल्डन है, और इसको प्लॉटर की से कटिंग करके और फिर हम सब्लिमेशन यानी कि हीट ट्रांसफ़र करते हैं। इसको कटिंग करने के लिए इसको उल्टा रखना पड़ेगा इस बेस पे, फिर टेप से इसको चिपका देना है ताकि जब हम इसको प्लॉटर में लगाएं तो प्लॉटर में ये कहीं फंस नहीं जाए या फिर ये कहीं दिक्कत ना करें हमें। तो मैं इसको चारों साइड से थोड़ा सा टेप लगा दूंगा ताकि ये बराबर सेटल हो जाए, और उसके बाद मैं इसको प्लॉटर से कटिंग करूंगा और फिर इसको हम हीट ट्रांसफ़र करेंगे ब्लैक टी शर्ट के ऊपर और फिर इसको पील करेंगे। देखिए दोस्तों, ये है मेरा सिलहुट का कैमियो प्लॉटर जो कि अमेरिकन प्लॉटर है ये, और इसके ऊपर पहले मैं अपनी जो शीट मैंने ऑन कर लिया है इस प्लॉटर को, और मैंने ये शीट जो आपके सामने पेस्ट की थी बेस के ऊपर, ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है, इसको मैं मशीन के अंदर लोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टच करना है, लेफ्ट साइड में ब्लू लाइन है उससे टच करके उसके पैरेलल, और स्क्रीन जो अभी ऑन की थी वहाँ बटन है लोड का, यहाँ क्लिक करना है, टच करना है, और मेरी शीट ये लोड हो गई है। अब मुझे कंप्यूटर से कमांड देनी है जो भी मुझे कटिंग करना है और उसके बाद उसको प्रिंट करना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर पर। मुझे आज चाहिए एक ऐसा डिज़ाइन जो आज मार्केट में बहुत डिमांड में है, एटीट्यूड फैक्ट्री फुल यानी कि एटीट्यूड फुल। ये मैंने कंप्यूटर में बना लिया है। अब मैं इसका JPG बनाऊंगा क्योंकि मुझे जब अपने कैमियो सिलहुट के सॉफ्टवेयर में इसको लेके जाना है तो वहाँ पर सिर्फ JPG चाहिए होती है। तो मैंने साइज़ के हिसाब से इसको ले लिया है। मैंने इसका अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे JPG भी बना लिया है। दोस्तों ये है कैमियो का सॉफ्टवेयर जिसको मैं ओपन कर रहा हूँ, और आप देख रहे हैं सामने कैमियो सिलहुट ये ऑन हो गया है। अब मैं जो फाइल मैंने JPG बनाई थी उसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मुझे JPG ओपन करनी है, मैंने गलती से कॉरल फाइल ओपन करने की कोशिश की तो यहाँ पे नहीं हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर JPG फाइल ही ओपन होती है। नीचे चलते हैं, देखते हैं, ये रही मेरी JPG फाइल और मैं अब इसे ओपन कर लेता हूँ। ये फाइल मेरी ओपन हो गई, और अब यहाँ पर इसको कटिंग करने से पहले हम लोगों को पहले साइज़, ये 12 इंच बाई 12 इंच का इसमें बेस है, और इसको अब मैं फ़्लिप कर लेता हूँ सेम जैसे सब्लिमेशन में फ़्लिप करते हैं टी शर्ट प्रिंटिंग करने के लिए, यानी कि मिरर कर लेते हैं। और उसके बाद इसको ट्रेस करना पड़ता है। यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं आप ट्रेस, और राइट साइड में एक टूल बॉक्स है, वहाँ से मैं ट्रेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, इसको मार्क करूंगा जो मुझे जितना एरिया मुझे ट्रेस करना है, और यहाँ पे ट्रेस के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया तो जो मेरा टेक्स्ट था, मेरा कंटेंट था वो अलग हो गया और उसकी आउटलाइन जो है ट्रेस हो गई है। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब इसी टूल बॉक्स में ऊपर राइट साइड में सेंड का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करके मुझे कमांड देनी है जिससे कि प्लॉटर पर कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ब्लेड की शार्पनेस, फिर स्पीड कितनी चाहिए मुझे, और फिर फोर्स यानी कि ब्लेड कितने डेप्थ तक जो है इसमें कटिंग करेगा। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने की हैं। अभी कभी भी आपको इस चीज़ के बारे में कुछ पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और तब यहाँ से हम सेंड का बटन दबाते हैं तो हमारी ये कमांड जो है प्लॉटर पे चली जाती है और प्लॉटर जो है कटिंग स्टार्ट कर देगा। अब ये प्लॉटर जो है सेटिंग कर रहा है जो हमने वहाँ से कमांड दी थी, जितनी डेप्थ जितनी स्पीड, और उसके बाद ये कटिंग स्टार्ट कर देगा। ये देखिए दोस्तों प्लॉटर से कटिंग स्टार्ट हो गई है, कैमियो का सिलहुट प्लॉटर है ये, और यहाँ पर ये कटिंग कर रहा है जो कमांड हमने कंप्यूटर से दिया है, और ये बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाएगा, कुछ सेकंड्स में ही ये कटिंग हो जाएगी। दोस्तों मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ये मैं जो भी वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ ये आपके बहुत काम के हैं। इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो सब्लिमेशन से रिलेटेड हो, चाहे DTF हो, और चाहे विनाइल प्रिंटिंग हो। ये देखिए सिलहुट का कैमियो प्लॉटर है, मैंने इसका फ्लैप ऊपर ओपन कर रखा था। तो आप मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। ये मेरा कम्प्लीट हो गया है, देखा आपने कुछ ही सेकेंड्स में ये कम्प्लीट हो गया, और इसे मैं अब अनलोड कर लूँगा।
तो ये मेरी शीट बाहर आ गई। अब मैंने वापस बेस से इसको निकाल लिया है, क्योंकि मुझे कुछ ही थोड़ा सा ही पीस मुझे प्रिंट करना है, लेकिन मैंने लगाया पूरा शीट था, तो अब मैं उसको अलग कर लेता हूँ ब्लेड और स्केल की हेल्प से, ताकि मेरा बाकी शीट जो है मुझे काम आ जाए। हाँ दोस्तों।